हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा अभी तक जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको प्लेन, ठीक है, तो करंटली हम 9th एक्सरसाइज में है, चैप्टर में 13.9 एक्सरसाइज में। तो 4-5 क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया था लास्ट में करने को, उससे आगे अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। कंसेप्ट वही होने वाला जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, ठीक। तो वो आज 2-3 टाइप के वैसे क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज जो है हमारी 13.9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो इसी का है क्वेश्चन नंबर 6 जो सबसे पहले है, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक, तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ। शो दैट प्लेन आर वेक्टर डॉट, प्लेन की इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्लेन की इक्वेशन आर डॉट आई प्लस 2j माइनस k बराबर 1 एंड द लाइन की भी इक्वेशन दे रखी है बेटा। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस जे प्लस 4k कैप आर पैरेलल। ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आपको आया होगा कि क्या करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए मैं ये बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, सॉल्यूशन हम करने वाले हैं अभी। देखिए बेटा, सबसे पहले प्रूव करना है कि ये प्लेन और ये लाइन दोनों कैसे हैं पैरेलल है, ठीक। फिर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह का बन रहा होगा, प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर, ठीक है, और जो ये लाइन है एल लाइन, दोनों बेटा कैसे हैं पैरेलल है, तो कुछ इस तरह के दिख रहे होंगे, ठीक। अगर ये दोनों पैरेलल है तो नॉर्मल और लाइन के जो नॉर्मल वेक्टर लाइन है दोनों परपेंडिकुलर ही है, ये भी हमें क्लियरली विजिबल है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी होगी। मतलब लेट्स से यहाँ कहीं अगर पॉइंट आ रहा होगा तो हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, ओके बेटा, ठीक है ना, ठीक। अब ये क्योंकि पैरेलल है तो लाइन पर कोई भी पॉइंट से हम इसकी डिस्टेंस प्लेन की फाइंड आउट कर ले थ्रू आउट, इट विल रिमेन सेम, क्योंकि ये पैरेलल बोली नहीं है, पहले भी प्रूव कर देनी है, इसलिए तो हम डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से फाइंड आउट करेंगे, इट विल रिमेन सेम, इट डजंट चेंज, क्लियर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं इस वजह से। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, देखो लाइन जो है बेटा, लाइन पासेस थ्रू माइनस 1, 1, -1 हो रही है, इससे पास हो रही है, ठीक। नाउ इफ लाइन इज पैरेलल देन लेट्स से ये पॉइंट पी है, यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से ये लाइन पी है, लाइन अगर पैरेलल होगी देन पी विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना, क्योंकि जो P पॉइंट है लाइन पे आ रहा है ना प्लेन पे, तो आई तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्लियर। एंड n वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लाइन, क्लियर, लाइन के वो परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन जो है
इक्वेशन ऑफ फ्रेम क्या है वो लिख देते हैं। ये है बेटा एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड बराबर वन, ठीक है। अब पी पॉइंट अगर मैं यहां पे रखूं देन माइनस वन प्लस टू टू वन माइनस माइनस वन, ठीक है, कितना हो गया ये टू हो जाएगा बराबर टू। ये तो LHS हो गया, बट RHS कितना है वन, तो दोनों बराबर नहीं है, मीन्स LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। सो P नॉट लाइज ऑन द प्लेन। क्लियर हो गया बेटा, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। हमने ये तो बता दिया कि जो ये पॉइंट P है ये प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, ठीक। अब अगर ये लाइन नहीं कर रहा है तो अब हमें क्या करना है, नाउ क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू एल, एल मतलब लाइन, देयरफॉर इनके डी आर के प्रोडक्ट का सम जीरो होना चाहिए। तो टू वन और फोर डी आर है, टू और लाइन के डी आर कितने और प्लेन के डी आर कितने हैं, वन टू और माइनस वन, टू इंटू वन प्लस वन इंटू टू माइनस वन इंटू फोर, कितना हो गया बेटा ये देखो, टू टू फोर माइनस फोर जीरो ही आ गया, है ना। और ये क्या कंडीशन है, ए वन ए टू हमने फाइंड किया प्लस बी वन बी टू हमने फाइंड किया प्लस हमने सी वन सी टू फाइंड आउट किया। अगर ये जीरो आता है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन ही होती है। तो जीरो भी आ गया, इसका मतलब लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, हेंस प्रूफ, ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे। क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट इसका नहीं बताने वाला हूं मैं। पी पॉइंट दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, फाइंड करनी है तुम्हें आपको क्या डिस्टेंस, ठीक है, जो ये इसके जस्ट आगे का ही पार्ट है, तो वो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपको करना भी खुद से ही है, तो वो वाला पोर्शन आपका खुद से ही हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया है एक क्वेश्चन, करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर एट, मैं वो अब आपको बताऊंगा इसमें। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके बेटा, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर एट थे, ठीक। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ देन उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए वन टू वन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और जो इन दोनों से एक लाइन ज्वाइन हो रही है तो उस लाइन के परपेंडिकुलर है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द लाइन, और फिर उस फाउंड प्लेन की डिस्टेंस इस लाइन से भी फाइंड आउट करनी है। डायग्राम की बात करते हैं पहले, यह प्लेन जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है बेटा, P और Q पॉइंट को भी मेंशन कर दिया जो लाइन पे बन रहे होंगे, और प्लेन जो है वो A पॉइंट से पास हो रहा है, तो A पॉइंट जो है वो इसी पे लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट वन टू वन है, ठीक। फिर बोला है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन के डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन को बेटा मैं एल मान लेता हूँ, ठीक है, इस लाइन से इस प्लेन की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, ओके, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आया, ओके। अब कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करते हैं, देन वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए इज, एक पॉइंट
पॉइंट से पास में प्लेन इक्वेशन ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी उस प्लेन की इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये तो हो गई है इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हेयर इन द क्वेश्चन एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, है कि नहीं है? एन वेक्टर और पी क्यू लाइन आपस में कैसे हैं? दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि सॉरी पैरेलल है, दोनों परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने गलती से, दोनों पैरेलल है। अगर बेटा दोनों पैरेलल है तो डी आर का रेशियो कैसा होगा? फिर सेम होगा ना। इसका मतलब ए अपॉन ए बी सी प्लेन के डी आर है, और लाइन के डी आर क्या आ जाएंगे? टू माइनस वन, बी अपॉन थ्री माइनस फोर, और बेटा सी अपॉन में फाइव माइनस टू। ठीक है, बराबर कर दिया लैम्डा के अंदर, और करके हम टू माइनस वन वन, ए की वैल्यू लैम्डा आ गई, यहाँ से बी की वैल्यू माइनस लैम्डा हो जाएगी, एंड बेटा सी की वैल्यू यहाँ से थ्री लैम्डा हो गई। तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है, मिल गई। ठीक, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन, सो फ्रॉम इक्वेशन वन हमें प्लेन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी? लैम्डा कॉमन, तो एक्स माइनस वन, बी की जगह माइनस लैम्डा है माइनस वन, सी की जगह है थ्री। ठीक है, तो बेटा प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई है? एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड, टू माइनस वन वन, माइनस थ्री माइनस टू, बराबर जीरो। ये इसको मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूं। ये हो गई प्लेन की इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल चुकी है। जो प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी थी ना, हमने फाइंड आउट कर ली है। क्लियर, तो ये हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट पार्ट? नाउ प्लेन की इक्वेशन तो आ गई है। ठीक, अब सेकंड पार्ट हमें जो बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द लाइन। लाइन से प्लेन के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमें लाइन पे कोई पॉइंट पता होना चाहिए ना, तो लाइन पे हमें एक पॉइंट मालूम है, कौन सा है वो? माइनस थ्री फाइव और सेवन। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, नाउ डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द प्लेन एंड फाउंड प्लेन। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लिख देते हैं लाइन एल पासेस थ्रू पॉइंट को, मैं क्या मान लेता हूं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री फाइव और सेवन। ठीक है बेटा, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सो वील फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, ये वाला पार्ट हालांकि आप खुद ही कर लेंगे इसे, मुझे पता है, क्योंकि मैं फॉर्मूला आपको पहले ही बता ही चुका हूँ इसका। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आप लगा के सॉल्व कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगी? चलिए फाइंड कर लेते हैं। डी इज गिवन बाय, प्लेन में इक्वेशन रखेंगे माइनस थ्री, माइनस वाई की जगह फाइव है, प्लस थ्री जेड की जगह सेवन, माइनस टू होल अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर वन, बी स्क्वायर बी वन, और सी है थ्री का स्क्वायर जो कि नाइन हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगी वैल्यूज। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? सेवन थ्री जब ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस फाइव सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस टू फोर्टीन, फोर्टीन माइनस थ्री इलेवन, इलेवन अपॉन में अंडर रूट इलेवन, मतलब ये रूट इलेवन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना ही हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओके ठीक है। अब बेटा जो क्वेश्चन मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज के। बचे हुए भी एक दो क्वेश्चन और, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए मैं उनको आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं हॉस्पॉच हो जाएगा आपके लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट अब एंड होने ही वाला है, ठीक। एक एक्सरसाइज और रहती है इसकी, तो जितना जल्दी होगा मैं इसको कवर करा दूंगा, ठीक। तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया हुआ है, तो जरूर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ओके थैंक यू।